यूरोपियन एंड इंडियन। अब मेरा मन कर रहा है इसको चलाने का। यहाँ पे ये पूरा वाटर टैंक है और वाटर टैंक ये जो आप देख पा रहे हैं ये हीटर है। तुर्की ईरान पाकिस्तान वाघा बॉर्डर टू अमृतसर। Oh, you see that barricade down there? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहाँ पे ये सॉर्ट ऑफ घुमक्कड़ गगन की वीडियो होनी चाहिए थी, बट क्योंकि मैं घूम नहीं रहा हूँ, मैं घूमने वाले के बारे में बात कर रहा हूँ तो घुमक्कड़ गगन नहीं है। इस वीडियो में जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करते हैं। ये पीछे आप जो ट्रक देख पा रहे हैं ये लेह में खड़ा है, ठीक है, बट इसकी रजिस्ट्रेशन प्लेट जर्मनी की है और जो बंदे इसको लेके ट्रैवल कर रहे हैं वो इसको ऑल द वे जर्मनी से लेके आए। इंटरेस्टिंग ट्रक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हर चीज़ की बात करते हैं जिनका ये ट्रक है उनसे भी मिलेंगे। और इस पूरे ट्रक में दुनिया भर के मॉडिफिकेशंस हो गए हैं, इंडिया में कैसे उन्होंने सर्विस करवाई है, साथ ही में इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस किए, सब की बात करते हैं। मैं आपको वॉक अराउंड देता हूँ क्विकली ट्रक के पास में जाके। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको, इंट्रोडक्शन किसका, ट्रक का नहीं, इंट्रोडक्शन देता हूँ जो हिपी ट्रेल का, मतलब बेसिकली आप ये देख पा रहे हैं हिपी ट्रेल यहाँ लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम का आईडी है टेक्निकली ये, बट हिपी ट्रेल चैनल है जो लोग इस ट्रक को लेके घूम रहे हैं उनका। और हिपी ट्रेल का मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आई डोंट नो, मतलब पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, बट मैं बता देता हूँ आपको। हिपी ट्रेल क्या होता है, बेसिकली यूरोप से लोग ट्रैवल करते हुए, बेसिकली ईरान वगैरह से ट्रैवल करते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान होते हुए इंडिया आते हैं, ऊपर नेपाल चले जाते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर कल्चर रहा है बहुत पहले, फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्योंकि जियो पॉलिटिकल इशूज़ होने लग गए और रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो है बहुत ज़्यादा होने लगे, उस वजह से हिपी ट्रेल का कल्चर थोड़ा थोड़ा हो गया कम, तो लोग जो है आना बंद हो गया, बट स्टिल कई लोग जो है ये ट्रिप करते हैं। इनफैक्ट ये जो दो कपल है जिनसे मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, इन्होंने ये दूसरी बार किया है, पिछली बार ये वैन में आए थे, इंडिया आके इन्होंने ट्रक खरीदा, इसको लेके जर्मनी गए, फिर उसके बाद में 2019 में इन्होंने वापस अपनी जर्नी शुरू की। अभी इस ट्रक के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ बताने से पहले एक बार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है कपल का आप ले लो, उसके बाद में इस ट्रक के अंदर और इर्द गिर्द घूमता हूँ मैं। सो हाय, आई एम मिही, आई एम 43 इयर्स ओल्ड, आई एम फ्रॉम जर्मनी। I'm Torben, 37 years old, also from Germany, of course. And we're traveling with our family, two small children, 8 and 6 years old. Second time for us India. We came first 2010 to India, mm-hmm. also by road over Turkey, Iran, Pakistan, Wagha border to Amritsar. ओके, तो अब मैं आपको जो है इस ट्रक के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले 911 लिखा हुआ है, तो पोर्शन 911 नहीं है, ये सीरीज़ जो है उनके ट्रक से पुराना ट्रक है। चैसी अलग है, इंजन अलग है, चैसी ने ऑलरेडी 2.5 लाख किलोमीटर जो है कवर कर लिए, इंजन ने जो है 35,000 वो किलोमीटर कवर किए, बट इस पर्टिकुलर ओनर के साथ में इससे पहले भी इंजन यूज़ हुआ था, बट थॉर्बिन ने जो है इस पर्टिकुलर इंजन को ऑल द वे जहाँ से शिप किया वहाँ से शिप करके इसके अंदर फिट करने की कोशिश की। एक्चुअली टर्बोचार्ज इंजन था, टर्बोचार्ज फिट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इस OM352 इंजन को जो है नॉन टर्बोचार्ज बना दिया, उस ब्लॉक को इसके अंदर फिट किया ताकि इसके अंदर फिट होके वो मल्टीपल जगह जा सके। 5.7 लीटर का इनलाइन 6 डीजल इंजन है, ये डीजल इंजन का यहाँ पे जो है टैंक है 500 लीटर का, ऑब्वियसली स्टॉक नहीं है, चेंज किया गया है, बड़ा बनाया गया है इसको। ये 500 लीटर का डीजल इंजन का टैंक जो है ऑलमोस्ट 2300 से लेकर 2700 किलोमीटर के आसपास की इंजन को देता होगा, डिपेंडिंग है कहाँ चला रहे हैं, कितना फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो निकाल पा रहे हैं उसे। उसके बाद में इंजन जो है मर्सिडीज बेंज का ही है, और इंडिया में भी जो है इनको एक जगह एक बहुत ही इंसिडेंट, ऑब्वियसली आप जो इतना पुराना इंजन चला रहे हो तो ख़राब और सही होने वाली चीज़ें भी होती हैं। इंडिया में भी कोलकाता में जब ये थे तो इनके साथ में एक इंसिडेंट हुआ कि कोलकाता में इंजन जो है खराब हो गया। ये थॉर्बिन से सुनते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ में एग्जैक्टली और कैसे वो उससे बाहर निकले। Uses about 1 to 2 liter per 100 kilometer of oil, which is a lot. I think Mercedes said the maximum is about 1 liter per 1,000 kilometers on this engine. Okay. And then we messaged Mercedes India on Instagram, just ask if they know a garage where we can get fixed the stuff or where we can get spare parts. And the next day, a team from Barrett Benz arrived at the truck with flowers for my wife, and they said, "Yeah, of course, you ask for support, we can help you." It was amazing. The day after we went to the garage north of Kolkata and they fixed the problem in half a day. अभी मैं आपको बाहर के सारे चेंजेस दिखाता हूँ, फिर हम अंदर चलेंगे, पहले कैबिन में चलेंगे, फिर अंदर पीछे जो लिविंग स्पेस उसमें चलेंगे। तो इस तरफ हाइट वगैरह में कोई भी चेंजेस नहीं है, जो टायर इस्तेमाल किए गए हैं वो 365 ATR20 मिलिट्री ग्रेड के टायर्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
ऑब्वियसली कहीं पे भी ऑफ रोडिंग करनी हो, कहीं पे भी जाना हो तो जाया जा सके उस तरीके उस चीज़ के लिए। ट्रक एक्चुअली काफ़ी ऊपर तक जो है आ सकता है पानी में भी, वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, बट थॉबिन का कहना है कि क्योंकि डिफरेंशियल गर्म होता है, पानी ठंडा होता है, तो उस वजह से जो है ऑयल जो है वो सक इन हो जाता है डिफरेंशियल में, फिर वो चेंज वेंज करो तो उतनी इस वजह से वो ज़्यादा पानी में जाते नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट टायर के लेवल तक ही पानी में जाया जाए, तब तक अच्छा है। और उसके बाद में क्या होता है, कैबिन के अंदर भी पानी जाने लग जाता है, तो वो भी एक चीज़ उनको ध्यान में रखनी पड़ती है। इधर ये जो आप छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं, इसमें मल्टीपल स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो हैं, जो कि जर्नी में काफ़ी बार इस्तेमाल किए गए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जो इस्तेमाल किए गए। पीछे की तरफ आओगे, अप्रोच एंगल डिपार्चर एंगल जो है बहुत बढ़िया, अप्रोच तो भाई बहुत ही बढ़िया है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। डिपार्चर एंगल जो है वो भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, जस्ट कि क्योंकि इनको अकोमोडेट करने थे दो एक्स्ट्रा टायर्स, जिसमें से एक तो पूरा आई बिलीव पूरा सेटअप ही है, मतलब रिम के साथ में ही है, एक बिना रिम का टायर है और उसमें ट्यूब भी पड़ी है, तो वो इनको अकोमोडेट करना ना थोड़ी सी कम हुई है। वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा टूल्स वगैरह के लिए और स्पेस बना लिया है, लेकिन यहाँ क्या पड़ा है, ये सैंड जो है, मतलब बेसिकली सैंड में जो अगर गाड़ी फंस जाए तो उससे बाहर निकलने के लिए इन्होंने बोर्ड्स दे रखे हैं, एल्यूमिनियम सैंड बोर्ड्स हैं। ये एक टेक्निकली इसको कहते हैं ना विंच आप कह सकते हो, जो कि एक्चुअली टायर जब नीचे हो तो उसको ऊपर पुल कर सकती है। और ये ट्रक 7.4 टन का है, तो उससे क्या होता है कि रेगुलेशन, मतलब एक चीज़ होती है कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जब आप देखोगे तो 7500 किलो लिखा होता है, कि मोस्टली कंट्रीज़ में वो एक्सेप्टेड लिमिट होती है लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, तो उसमें ये फॉल कर जाता है और परमिशन वगैरह का चक्कर नहीं आता है। एनीवे, इस तरफ जो है ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह यहाँ पे। मेरी ऑक्सीजन की कमी जो है मुझे महसूस हो रही है, आज ही लिए मैं लैंड किया हूँ और तुरंत जो है एक्साइटमेंट के मारे यहाँ पे आ गया। इधर जो है इनकी आई विल ट्राई टू ओपन दिस, ओके, ये आप जो देख पा रहे हैं ये वाटर टैंक है, यहाँ पे ये पूरा वाटर टैंक है, और वाटर टैंक ये जो आप देख पा रहे हैं ये हीटर है, और यहाँ पे नोजल है जिससे पानी वाटर टैंक के अंदर भी ले जा सकता है, वापस ले जा सकता है। बेसिकली मोटर है जो कि दोनों वे जो है वो चल पाती है, और साथ ही में अंदर जो है हीटर है, उसकी भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसा नॉर्मल हीटर नहीं है वो। एक्चुअली सबसे पहले बताता हूँ, ये जो है पर्टिकुलर चीज़, ये फाइबर है, एलुमिनियम है, बीच में फॉर्म है, फिर अंदर की तरफ फाइबर है, बट कुछ कुछ पार्ट सिर्फ फाइबर है, जैसे कि ये वाला पार्ट हुआ, और जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं वो एक्चुअली सोने के लिए बना हुआ कैबिनेट है जिसमें वो सोते हैं। छोटा लग रहा है, ऐसे अंदर से दिखाऊंगा बहुत बड़ा है वो फाइबर है, और पीछे की कुछ कुछ चीज़ें फाइबर है। ये देखो फाइबर है, इसलिए यहाँ से पंचर हो गया था कहीं पर केरला में जब वो चला रहे थे तो पंचर हो गया था। एनीवे, वापस आता हूँ, इंजन जो इंजन चलता है तो इंजन की जो कूलेंट होता है उसको, उसका कूलेंट जो है इधर से राउट होता है इधर से, और पानी वो गर्म कर देता है। अगर आपको टेक्निकली समझ नहीं आ रहा है कि कूलेंट पानी ठंडा कैसे करता है, तो वेल कूलेंट इंजन को ठंडा करता है, तो इंजन का गर्म पानी बाहर आता है तो पानी को टच करता है और वापस आता है, तो बेसिकली उस तरीके से पानी ठंडा जाता है। 80 लीटर्स का टैंक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो कहते हैं ना सोच समझ के ऐसे काम किया गया है। देखो आप इसको जुगाड़ कह सकते हो, बट ऐसा जुगाड़ है जो कि आपको कहीं भी धोखा नहीं देगा, और ओवरलैंड ट्रिप्स कर सकते हो आप, मल्टीपल कंट्रीज़ में जो है जा सकते हो। और गाड़ी में ऊपर वहाँ देख पा रहे हो आप, ये थोड़ा सा विंडोज़ दी गई है अगर आपको फ्रेश एयर चाहिए। ऊपर मैं अभी अंदर चल के दिखाऊंगा, वहाँ पे जो है एग्जॉस्ट वगैरह भी लग रखे हैं। ये आई बिलीव मतलब वैसे नहीं खुलती है स्लाइड होके, ऐसे ऊपर होके खुलती है हाइड्रोलिक्स की मदद से। यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे भी विंडो है, पीछे कैमरा लग रखा है, रिवर्स पार्किंग कैमरा। एक्चुअली कैमरा की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, थॉर्बिन से पूछवाता हूँ कि थॉर्बिन वो कैमरा उन्होंने क्यों लगाया। एंड देयर इज वन स्पेशल फीचर फॉर इंडिया, सो आई हैव a camera system. Is that a lane change camera? Yeah, it's like a dead angle camera because you really can't see much from that side. Yeah, I can't see, but the biggest problem is the motorbike who stands next to me thinks I'm sitting up there. Oh yes, yes. But nobody's there, so I can see him through the camera. It's real time. We have a monitor there, so we have a reverse camera and like a dead angle camera. तो ये वो कैमरा है साइड वाला जो कि थॉर्बिन ने इंडिया के लिए लगा रखा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फनी स्टोरीज़ भी अभी अंदर जाके सुनाता हूँ वो क्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। उससे पहले आप ये देख लो, ओम लिखा हुआ है, तो जहाँ पे भी ये लोग जाते हैं वहाँ पे जो है उस पर्टिकुलर कंट्री का कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लगाते हैं, कुछ जो है बेसिकली पेस्ट करवाते हैं जो कि थोड़ा सा उनको वो टच दे। और ये जो ऑरेंज कलर के आप छोटे छोटे कपड़े देख रहे हैं ये भी इंडिया के लिए सिग्निफाई किया। एक और चीज़ इंडिया स्पेसिफिक है भैया, ये जो आप देखो रे हॉर्न, ये क्या है मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ। लेट्स सी अंदर। एक्चुअली अंदर जाना काफ़ी इजी है, रिलेटिवली इजी है, मतलब जितना आप सोचते हो उतना मुश्किल नहीं है, प्रॉब्ली बिकॉज ये एरिया जो है एक ढंग के तरीके से बनाया गया अंदर जाने के लिए। तो लेट्स सी, अंदर जाता हूँ मैं और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है आपका स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर में ऑडोमीटर है जो कि एक्चुअली ओरिजिनल है ऑडोमीटर, मतलब चैसी के हिसाब से 263,000
476 किलोमीटर चल गया है। काफ़ी सारी चीज़ें, वाइपर के कंट्रोल से यहाँ पे आपके पास में लाइट्स के कंट्रोल है, ये हॉर्न का कंट्रोल है। तो इसको जब आप स्विच करते हो तो ये तीन कंट्रीज के हॉर्न में जाता है। और दैट्स जर्मन, यूरोपियन एंड इंडियन। ओके, तो ये तीन तरीके के ऑन आपने यहाँ पे देखे। उसके बाद में आप इधर ये देख पा रहे हैं, ये आपके पास में वाटर का टेम्परेचर आ रहा है, बेसिकली कूलेंट टेम्परेचर, दैट्स यू कैन कॉल इट। ये यहाँ पे ऑयल टैंक है और यहाँ पे आपके पास में ऑयल प्रेशर जो है वो दिखा रहा है। ये कंट्रोल लैंप की वार्निंग, मतलब ये अभी ट्रक चालू नहीं है इसलिए वार्निंग आ रही है। इधर आपके पास में मल्टीपल वार्निंग्स है, इंडिकेटर जल रहा है नहीं जल रहा है, बैटरी का क्या स्टेटस है, ये सब चीज़ें हैं। और बहुत ही बड़ा स्टीयरिंग है, बट पावर स्टीयरिंग है, कन्वर्ट किया गया, पहले पावर स्टीयरिंग नहीं आता था। अभी हम इसको चला के भी देखेंगे कि कैसा क्या कुछ लग रहा है। और कुछ कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली जो है वो ट्रिप के हिसाब से इसमें ऐड की गई है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर GPS सिस्टम है जो कि सेफ्टी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर लगाया है, जस्ट इन केस कुछ भी हो जाए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लोकेशन ट्रैक करनी हो तो उसके लिए वहाँ पे है। लद्दाख आते होते फ्लैग्स जो है आप देखते होंगे, तो फ्लैग्स यहाँ पे, एयर कंडीशनर अंदर नहीं लग रहा है एयर, तो उसके लिए आपको जो है एसी की जगह ये फैंस है। ओके, काफ़ी फास्ट एक्चुअली फैन, जो कि लगता नहीं है। यहाँ पे एक कैमरा है जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था, स्विच इट ऑन द लेन चेंज मोड, ये लेन चेंज मोड है। और प्रॉब्ली प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब आप यहाँ से चला रहे हो, यू कैन नॉट रियली सी कि वहाँ पे कोई खड़ा है नहीं खड़ा, काफ़ी ऊपर है, तो थॉबिन ने जो है वो सोल्यूशन वहाँ पर लगाया। एंड ऑल्सो मोस्टली इंडिया में लोग सोचते हैं कि ट्रक ड्राइवर उधर बैठा है सब कुछ देख सकता है, बट वो केस यहाँ पे है नहीं, बिकॉज दिस इज लेफ्ट एंड ड्राइव। और साथ ही में यहाँ पे जो है आई सी ए म्यूजिक सिस्टम, इज दिस लाइक वर्किंग? No, we have Bluetooth speaker. That's nice. Nice. हर एक चीज़ जो है, ओके कप होल्डर, दिस कप होल्डर ओवर हियर, ओके एंड आई बिलीव दिस इज समथिंग विद द फैंस, या दिस इज लाइक हीटर ऑन, द हीटर ऑफ, एंड दिस इज जस्ट कूलिंग, ओके व्हिच इज नॉट हैपनिंग, दैट्स नॉट वर्किंग, राइट? इट्स वर्किंग, ओके ओके, दिस इज ऑफ, दिस इज बोथ अप इज हीटिंग, वन अप डाउन इज जस्ट ब्लोइंग, ओके जस्ट ब्लोइंग एयर, ओके। तो बेसिकली हीटर है और हीटर नहीं चलाना है तो एयर ब्लो जो है वहाँ पे होता है। स्टार्ट करने का प्रोसीजर बहुत अच्छा है यहाँ पे, आप जो है इसको जब प्रेस करेंगे स्टार्ट हो गया, क्लच दबा के स्टार्ट नहीं होता भाई ना, यहाँ वो टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंपली यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हियर एंड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अपना जो गाड़ी का होता है ना इंजन RPM, एंड इफ़ यू प्रेस दिस ये हो गया सिस्टम बंद। And you see that? That's nice. ये obviously parking brake है, आप ऐसे press करके अंदर ले जा सकते हो। 5-speed का gearbox है, यहाँ पे 4x4 low, 4x4 high नहीं है इसमें, 4x4 और neutral जो है करने के लिए ही है, आपको rear wheel drive या 4x4 करना हो तो। हाई क्यों नहीं है? वेल उन्होंने थॉबिन ने बताया कि उसकी ज़रूरत उनको ज़्यादा नहीं पड़ती। देखो फैंसी नहीं है ज़्यादा कुछ, एकदम मतलब रॉ और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे ऊपर जो है, अभी मैं आपको कैबिन में जाके दिखाता हूँ पीछे। ओके, अंदर वॉक करते हैं और यहाँ से जो है बेसिकली आप इसको ओपन करेंगे और यहीं से जब आप वॉक करने लगते हो तभी आप बहुत सारी चीज़ें देखने लगते हो कि इसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन जो है आपको दिख जाएंगे। पहला तो नेट लगा हुआ है जो कि काफ़ी हेल्प करता है, मच्छरों को अंदर नहीं लाना है और सिर्फ आपको जो है हवा अंदर लेके आनी, ये आपकी पास में जो है कपड़े सुखाने के लिए जगह बन रखी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अंदर वॉक करते हैं और यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग यूज़ किया गया है, बहुत ही मतलब जो कहते हैं कम स्पेस का। सबसे पहले इधर जो है, जो मैं आपको बता रहा था बाहर से बेड बहुत बड़ा है, वो देखो आप काफ़ी बड़ा बेड है, दो अडल्ट्स और दो बच्चे जो है इसके अंदर प्रॉपरली जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस है, प्रॉब्ली वो चीज़ें जो कम काम आती है। इधर भी थोड़ा सा एंट्री के लिए स्पेस बनाया हुआ है, जिसमें यहाँ ये विंडो है जो कि बच्चों के लिए बना हुआ है। दिस इज फॉर द चिल्ड्रन, सो दिस इज यू सी इट्स पिंक, इट्स फ्रॉम माई डॉटर रोमी, सो शी स्लीप्स इनसाइड एंड शी हैज सम बुक्स एंड टॉयज एंड इफ शी नीड्स सम ब्रेक she can close it so she's just by herself. Okay. This is the one from our son Mickey. Yeah, storage space, basically kitchen space jo hai yahan pe inhone banaya hai aur yahan pe jo hai please leave kitchen cleaner than you found it. खुद ही वैसे तो फैमिली है, बट स्टिल उन्होंने वो चीज़ें लिख रखी है। नीचे भी स्टोरेज स्पेसेस जिसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है वो यहाँ से ड्रॉअर से निकाल सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली वॉशरूम, जो कि आप टॉयलेट मतलब बेसिकली शावर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये नीचे वाला बायो टॉयलेट हटा के, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे भी देयर इज स्पेस ओवर हियर। और उसके बाद में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हाँ जो मैं बाहर से बोल रहा था कि यहाँ पे जो है आपके उसमें लग रखा है फ़ैन, जो कि अंदर भी हवा खींच सकता है बाहर भी हवा ले सकता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है।
पीछे की तरफ ये स्पेस मुझे बहुत अच्छा लगा, लिविंग एरिया जहाँ पे जो है मिकी अभी बैठ के कुछ काम कर रहा है अपना. यू हैव मोर स्पेस हियर, जो प्रीटी गुड स्पेस ओवर हियर. या आई वुड लव टू हैव मोर बट यू नो माय हस्बैंड हैज अ लॉट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, दैट्स व्हाई आई हैव नो वॉशिंग मशीन एंड डू एवरीथिंग बाय हैंड. पीछे विंडो है, बहुत ही बढ़िया जो कहते हैं ना पैनोरामिक व्यू यहाँ पे आता है, और 260 डिग्रीज व्यूज, 270 डिग्रीज व्यू जो है वो यहाँ पे निकल के आता है, और एक्चुअली काफ़ी अच्छा स्पेस है. आई डोंट नो चलते टाइम पे कितना कंफर्टेबल होता होगा इसमें पीछे बैठना, बट आई एम श्योर कंफर्ट के हिसाब से चीज़ें ध्यान में रखी गई होगी, मतलब सस्पेंशन उस हिसाब से रखे गए होंगे, और ये निकलने का सिस्टम भी एक्चुअली काफ़ी बढ़िया इन्होंने यहाँ पे बनाया है. ज़्यादा देर में कैबिन में घुस घुस की चीज़ नहीं दिखाऊंगा आपको, बस ऊपर सोलर पैनल लग रखे हैं, जो कि अगेन एक मतलब हल्का सा बैटरी पैक लगा हुआ है, सोलर पैनल लगे हुए खड़े हैं, तो इनको चला के मतलब वैसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी. मोस्टली चीज़ें जो है सोलर पैनल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पर चल जाती है. अब मेरा मन कर रहा है इसको चलाने का, हाउएवर ये काफ़ी ऊपर खड़ा है अभी, मतलब हम एक हिल टॉप पे हैं और मैं नीचे ले जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि ओल्ड स्कूल चीज़ है और बहुत लंबे टाइम से मैंने ट्रक नहीं चलाया, आई थिंक 2 साल से नहीं चलाया. तो लेट्स सी नीचे जाते हैं कहीं और वहाँ पे मैं इस ट्रक को चलाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि कैसा फील जो है ओवरऑल ट्रक में आता है. हाउ डू यू से ट्रक इन जर्मन? Oh, I remember that Krankenwagen. Krankenwagen. Ambulance. Yeah. Krankenwagen. Yeah. yes, I heard that. What's that? Butterfly. Oh, yes. Okay. It's a beautiful animal, but Schmetterling is That's very not the worst. Yeah. चलिए जी, 120 हॉर्स पावर और कुछ 350 न्यूटन मीटर जो है उनको ड्राइव करते हैं. Let's twist. It goes in. And then we go to the second gear. Sandstorm आ गया यहाँ पे बीच में और aerodynamics बहुत ही गजब है इसके. हवा जो है पूरी कटती हुई अंदर सुनाई दे रही है यहाँ पे, और साथ ही में जो है थोड़ा और तेज अगर मैं चलाऊँगा तो मेरी आवाज़ जो है रिकॉर्ड नहीं होगी, बट यहाँ पे नेविगेशन इन्होंने लगा रखा है जहाँ पे इनको जाना है. सरप्राइजिंगली हम ऑलरेडी 30+ की स्पीड पे आ गए हैं. ओके अच्छा, ये किलोमीटर पर आ रहा है, मुझे लगा माइल्स में, इतनी तेज कैसे आ गए? प्रॉब्ली डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट, यस, स्ट्रेट, यस, जस्ट ट्राई टू ब्रेक्स बिकॉज़ इट्स रियली हार्ड ब्रेकिंग. ओके, ट्राई हाउ इट ब्रेक. ओह, पुश. सी, सेकंड टाइम वी कम, फर्स्ट टाइम इट्स नॉट सो गुड, एंड सेकंड टाइम या पंपिंग द ब्रेक. नाइस. तो भैया चलाने में स्मूथ तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ उतना भी अनकंफर्टेबल नहीं है जितना मैं सोच रहा था, मतलब इट्स एक्चुअली गुड. आई विल प्रोबब्ली शिफ्ट नाउ टू थर्ड. ओके, व्हाट्स द टॉप स्पीड दैट यू कैन डू कंफर्टेबली? सो ट्रैवल स्पीड इज अराउंड 70-75. टॉप स्पीड ऑफ द ट्रक इज 93. ओके भाई, बहुत आवाज़ आ रही है अंदर. आई डोंट नो मेरी आवाज़ आपको आ रही है नहीं आ रही, बट मुझे मज़ा बहुत आ रहा है. और पावर स्टीयरिंग ज़रूर है, बट उतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं है स्टीयरिंग में, मतलब कहीं भी ज़रूर से जा सकता है. एंड क्योंकि मैं लेफ्ट में चला रहा हूँ, नॉट इन द राइट, तो थोड़ा सा वो भी चीज़ें हैं. आई विल प्रॉब्ली गेट डाउन. ओह, यू सी दैट बैरिकेड डाउन देयर? It's probably because of the ridge. भाई इसमें एक बहुत ही बढ़िया वहाँ पे लिवर है जो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे इंजन ब्रेकिंग होती है. Oh, nice. Quite effective actually. Yeah. I feel much more comfortable now. Yes. I'm confident. It's a very fast learning curve this truck. Oh, wow, this is easy. Not big stones. इसके बाद मैंने थॉबिन और मिकी को पूछा कि वो इंडिया में कहाँ कहाँ घूम चुके हैं इस बार, और साथ ही में इफ़ देर इज एनी एडवाइस जो आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं तो वो क्या होगी. वी शिफ्टेड टू मुंबई, वी वेंट ऑन टू गोवा, देन टू कर्नाटका,
and over Coimbatore into Kerala. Mm-hmm. Then we did Kanyakumari, back to Kerala into Wayanad, mm-hmm. Uti, and then Tamil Nadu. Yeah, then to Rameshwaran. Rameshwaran, of course. This was a great place. Dhanushkodi, the road. Dhanushkodi, then over Chennai, up to Andhra Pradesh, mm-hmm. Orissa, West Bengal. Sundarban in West Bengal. Then from Kolkata we went to Varanasi, into Bihar. Then Rishikesh. Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, yeah. Then Rishikesh, and then Punjab, up to Kashmir, into Ladakh. The biggest tip for us, start small. Don't buy a truck like this and start. Just get maybe a car and a mattress. A car and a mattress. Or as my dream, get a Royal Enfield and travel all around India. And start slow and then grow every time.